bird on a tree. Hello everyone, welcome back to the channel. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ. तो आज है दिन सैटरडे, टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज गए हैं. तो बस लंच में मेरी रोटी बन गई है, राइस बन गया है. तो अब मुझे बनानी है कढ़ी. कढ़ी मैं जस्ट अभी गर्म बनाऊंगी. रोटी मैंने सुबह ही सेक के रख दी थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था. तो चलिए शेयर करती हूँ मैं कि मेरा सैटरडे का वीकेंड कैसा जाता है. तो सबसे पहले बना लेते हैं हम कढ़ी. कढ़ी बनाने के लिए पहले मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ. तो मैं आज प्याज वाले पकौड़े बनाऊंगी. तो एक छोटा मीडियम साइज का प्याज मैंने कट किया है. उसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है, थोड़ी सी हींग ऐड की है, नमक ऐड किया है. इसके बाद मैं इसमें हल्दी और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर मैं इसमें ऐड करूंगी. पहले आपको बेसन के साथ ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेने हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसका एक थिक सा बैटर बना लेना है. याद रखना है आपको थोड़ा टाइट बैटर बनाना है क्योंकि हम इसको 5 से 10 मिनट रेस्ट करने रखेंगे. तो प्याज जो है वो नमक के कॉन्टेक्ट में आके पानी छोड़ेगा, बैटर जो है वो पकौड़े बनाने की कंसिस्टेंसी के लायक जो है वो हो जाएगा. तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके इसको मैं छोड़ देती हूँ. यहाँ पर 10 मिनट के बाद मैं पकोड़े तल लूंगी. तो मैं नॉर्मल रिफाइंड ऑयल में ही जो है वो पकोड़े बना रही हूँ. तो प्याज के पकोड़े बहुत अच्छे शेप के नहीं बनते हैं क्योंकि उनमें प्याज रहती है. आप चाहें तो प्याज थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों की जो क्वांटिटी थी वो सेम ही रखी थी. उसके बाद अब यहाँ पर उसी बाउल में मैंने उसको अच्छे मतलब पीने के पानी से उसको अच्छे से वॉश कर लिया है. और उसी में मैंने 1 टेबल स्पून जितना मैंने उसमें बेसन पहले अच्छे से घोला है. उसके बाद मैंने इसमें दही किया है. इसमें दही से कढ़ी बना रही हूँ, नहीं तो मैं ज्यादातर बटर मिल्क से ही कढ़ी बना लेती हूँ. और अच्छे से जो बलून विस्कर होता है ना, उससे अच्छे से आपको उसको चलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी गांठे ना पड़े. थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें मैंने मेथी ऐड की है और करी पत्ता और हरी मिर्च लंबी लंबी काट के मैंने ऐड की है. और उसके बाद हमने ये जो मिक्सचर बना के रखा था लिक्विड, इसको हम डाल देंगे. अब आपको इसको कंटिन्यूसली जो है चलाते जाना है जब तक इसमें बॉयल ना आने लगे, क्योंकि दही की जो कढ़ी है वो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि दही फट जाएगा. तो देखिए यहाँ पर बॉईल आ गया है. तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी हल्दी और उसके बाद आपको इसको अच्छे से चलाना है क्योंकि बहुत थोड़ी सी हल्दी, आपको 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी ऐड करना है क्योंकि बहुत हल्दी कलर छोड़ती है इसमें दही के साथ मिक्स होने के बाद. स्वाद के हिसाब से अब इसमें नमक डाल देंगे और आपको बस इसको 15 से 20 मिनट उबलने के लिए आपको छोड़ देना. अगर आपको लगता है कि ये गाढ़ी है तो आप इसमें पानी डाल के इसको फिर कंटिन्यूसली चलाते जाइए इसमें जब तक एक बॉयल ना आ जाए. ऐसा करने से बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते हैं फटने के बाद में भी. और बस जब 15-20 मिनट हो गए तो मैं इसमें पकौड़े ऐड कर रही हूँ. और पकौड़े डालने के बाद भी आपको इसको कम से कम 15 मिनट उबलने देना है. तो आपको इसमें ढक्कन इसको अभी ढक देना है ताकि पकौड़े ना ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. और थोड़ा सा ढक्कन जो है वो भाप के निकलने के लिए आपको छोड़ देना है. कढ़ी जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है. देखिए ऑयल जो है वो जितना भी डाला था वो किनारे पे दिखाई देने लगा है. कढ़ी हो गई है हमारी रेडी. अब इसमें ऊपर से एक तड़का लगा देते हैं. तो यहाँ पर मैंने फिर थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है, खड़ी लाल मिर्चें डाली है गैस करके, और थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने ऐड की है. और बस कढ़ी के ऊपर मैं इसको कर दूंगी पोर और हमारी जो कढ़ी है वो बनके हो गई रेडी. अगर आप धनिया पत्ता इसमें डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं. और भी ज्यादा जो है कढ़ी का जो कलर है वो बहुत ही टेम्पटिंग लगता है. तो बस खाना हो गया है रेडी, सर्व कर देते हैं. तो यहाँ पर है खाने में आज राइस और उसके बाद रहेगी कढ़ी, पापड़ भी मैंने आज भिजोरा भी मैंने तला था क्योंकि कढ़ाई चढ़ी थी, तो पापड़ और उसके बाद रोटी मैंने सुबह ही सेक के रख दी थी. खाना हो गया है रेडी और आप लोग भी आ जाइए. तो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ. आज ना मुझे तुलसी का पौधा लेने भी बाहर जाना है, तो फिर देखते हैं क्योंकि कल संडे हो जाएगा, संडे के दिन पौधा ला नहीं सकते. तो पहले लंच कर लेते हैं क्योंकि अब बहुत भूख लग रही, फिर मैं आपसे मिलती हूँ. टाइम हो रहा है अभी 3:30 और हम लोग जा रहे हैं, 2-3 काम है नर्सरी. तो बस तुलसी का पौधा लेके आते हैं और ये वही वाला सनग्लास है जो मैंने उस दिन खरीदा था. अच्छा दिख रहा है ये. हम रुके हैं बाहर, ये हमारी सोसाइटी का एकाउंट्स का ऑफिस है. तो
कुछ थोड़ा सा काम था, काम खत्म हो जाएगा तो फिर हम जाते हैं अंदर वापस। तो बस पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, सोसाइटी का अपना काम खत्म किया और उसके बाद हम चले गए हैं नर्सरी। नर्सरी ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। ये काफ़ी बड़ी नर्सरी है, ये SG हाईवे पे ही है ये नर्सरी। तो हमें सिर्फ तुलसी का पौधा लेना था, लेकिन जब भी नर्सरी में आओ तो एकदम मन खुश हो जाता है, इतनी ग्रीनरी। और एक दिन बारिश भी हो गई है तो जो भी पौधे ऊपर से भी इतने ज़्यादा ग्रीन हो गए हैं तो बहुत अच्छा था। मैंने गुजरात में आने के बाद नर्सरी का जो कल्चर है वो मैंने इतना ज़्यादा देखा है। नहीं तो मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे लोग ऐसे ही पौधे लगा लेते हैं और एक दूसरे को दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको तुलसी का पौधा लेना है ना तो भी आपको नर्सरी से जाके खरीदना ही पड़ता है, आपको कहीं से भी नहीं मिलता। या तो फिर आपके पास बीज हो तो फिर आप बीज से वो पौधे लगा सकते हैं। तो बहुत बड़े एरिया में नर्सरी, अगर आप पूरा घूमेंगे तो आपको एक से जो है 1.5 घंटा भी यहाँ पर लग सकता है। टाइम हो गया है अभी 4:30 और जस्ट 5 मिनट पहले ही वापस आए हैं। इतनी गर्मी है, बादल इतने तेज हो रहे थे लेकिन एक बूंद भी रस्ते में पानी नहीं गिरा। तो मैं ले आई हूँ तुलसी के पौधे, देखती हूँ गमला अगर निकला होगा तो मैं इनको अभी लगा दूंगी, क्योंकि कल संडे है तो फिर कल लगा नहीं पाएंगे। तो पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गमला मैंने निकाल लिया है, ये सिरेमिक का गमला है। ऐसे 2-3 पॉट ना मैं एक बार एक साथ ही खरीद कर लेकर आई थी, तो मिट्टी की भी थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम ही रहती है, तो मैंने थोड़ी सी दूसरे पॉट की मिट्टी निकाल के डाली है। अच्छी क्वालिटी की मिट्टी जो है ना उसकी थोड़ी सी परेशानी रहती है, वो लेके ही आना पड़ता है। तो नीचे मिट्टी डाल दी है मैंने, उसके बाद इनमें से ये सारे जो है वो पौधे निकाल के मैं रख दूंगी। एक पौधा भी लगा सकते हैं लेकिन इतना पतला रहता है ना वो पौधा कि हवा में कभी कभी ना टूट ही जाता है और कबूतर उसको खा लेते हैं, इसलिए मैं 4 पौधे इस बार एक साथ लाई हूँ ताकि जो थोड़ा घना घना सा लगे और थोड़ी सी बारिश में वो पौधे ना थोड़े से अच्छे हो जाए। तो यहाँ पर मेरा तुलसी का पौधा लग गया। मिट्टी थोड़ी सी कम है तो वो मैं कल जो मिट्टी है ना मैं इसमें और लाके डाल दूंगी, और ये पौधे को मैं रख दूंगी बालकनी में। तो मैंने उसे बालकनी में रख दिया, अभी मैंने उसमें थोड़ा सा पानी दिया है, बीच में गमले से मिट्टी गिर गई थी तो उसको मैंने हटा दिया है। और उसके बाद जो यहाँ ऊपर प्लेटफॉर्म पे भी मिट्टी गिरी थी वो सारा प्लेटफॉर्म जो है वो मैं एक बार उसको अच्छे से साफ कर दूंगी। और कोई जगह नहीं होती किचन के अलावा जहाँ पर आप ये सब काम कर सके, तो प्लेटफॉर्म जो होता है ना वो सबसे बेस्ट एरिया होता है। बस ये सारा काम खत्म किया तो शाम ही हो गई थी और 5:30 हो रहा था। कपड़े उठा लिए, यहाँ पर कपड़े फोल्ड करके मैं रख दूंगी, और उसके बाद अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कोई हॉरर मूवी देख लेते हैं। तो ये मैं आज एक हॉरर मूवी देख रही थी, नन की कोई ये एक है, तो वो देखा, उसके बाद मैं आई हूँ अब नीचे। शाम हो रही है, बज रहे हैं अभी 7:45 और हम लोग आए हैं नीचे। तो ये है जैसे आपको दिख रहा होगा साइड में, मैंने आपको बैक कैमरे से दिखाया जैन टेंपल है, और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे। यहाँ पे एक फाउंटेन शो होता है तो बहुत दिन हो गए देखने नहीं आए थे, तो फिर अब फाउंटेन शो देखने जाएंगे। तो बस 5 मिनट बाकी है, काफ़ी अच्छा ये फाउंटेन शो यहाँ पर होता है और म्यूज़िक दूसरा बजता है, गाने बजते हैं यहाँ पे। 15 मिनट का शो होता है और एकदम मन खुश हो जाता है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। तो
वापस आते आते हमें हो गए थे 8:30, क्योंकि 8 बजे शो शुरू होता है और 15 मिनट का रहता है। तो बस 8:30 बजे के बाद फिर घर आने के बाद वही सारे काम दूध गर्म करना और जो भी छोटे मोटे काम थे वो ख़त्म किए और बस उसके बाद आज का दिन मेरा वीकेंड का सैटरडे का भी ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो ये व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ बरखा, मैं एक डेली ब्लॉगर हूँ, तो रेसिपीज़, DIY, होम डेकोरेशन और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए रोज़ लेकर आती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बरखा के पंडे।